श्री राम के योद्धा रूप की निशानियां कहां हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम के वनवासी रूप के साक्ष्य कहां हैं? कहां है वो स्थान जिन्हें हमने रामायण में पढ़ा, टीवी सीरियल में देखा? अब तक हम बहुत कुछ खोज कर ला चुके हैं, लेकिन आज कुछ अलग है, कुछ नया है, थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज सामने आ रहा है श्री राम का सबसे बड़ा रूप, श्री राम का राजा रूप। इस रूप की तलाश में हमने देश के कई शहरों को खंगाला, गांव देहात के वीराने में तलाशा और सामने लेकर आए एक ऐसा धाम जहां राजा रामचंद्र की सरकार चलती है, जहां राजा रामचंद्र आज भी जीवित हैं। हर शाम राजा की शान में सलामी दी जाती है। आज हम वो जगह खोज कर लाए हैं जहां लंका से लौटकर श्रीराम का पुष्पक विमान जमीन पर उतरा था, जिस कुंड में वनवासी रूप को त्याग कर श्रीराम ने अपने केश बहाए थे, जहां श्रीराम का राज सिंहासन रखा जाता था, जहां त्रेता युग में राम दरबार लगता था, जहां से शुरू हुआ था श्री राम का अश्वमेध यज्ञ और जहां लवकुश से हुआ था राजा रामचंद्र की सेना का युद्ध। तो चलिए शुरू करते हैं राजा रामचंद्र के अद्भुत रूप की एक अद्भुत यात्रा। श्री राम रूप, ये कहानी है श्री राम के राजा रामचंद्र रूप की, श्री राम की राजगद्दी की, भगवान के दरबार की। श्री राम के इस रूप की तलाश में हमारी टीम कई प्रदेशों में घूमी, कई शहरों में भटकी। हमें रामायण और रामचरितमानस से जुड़ी लंबी रिसर्च करनी पड़ी, उन शोधकर्ताओं से मिलना पड़ा जो श्री राम के राजा रूप की जानकारी रखते हैं। इन सब को मिलाकर हम लेकर आए हैं श्री राम के राजा रूप की कई अद्भुत कहानियां। शुरुआत वहां से करते हैं जहां राजा रामचंद्र को आज भी जीवित माना जाता है। दिन में 6 बार उन्हें सलामी दी जाती है, जहां राजा राम ज्योति रूप में आज भी साक्षात दिखाई देते हैं। जहां कण कण में श्री राम है, भगवान बनकर नहीं, एक राजा की तरह। राजा रामचंद्र बनकर, राजा राम 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 जय श्री राम, जहां श्री राम का नाम पौराणिक नहीं, एक ऐतिहासिक सत्य है, जहां राम राज्य कोई फसाना नहीं, एक हकीकत है। उस जगह का नाम है ओरछा। मान्यता है कि एक अनंत रूप में श्री राम आज भी ओरछा में रहते हैं। यहां के सिंहासन पर विराजमान है नगर के राजा हैं, इसलिए लोग भगवान श्री राम नहीं, राम राजा कहते हैं। भगवान राम को अगर राजा रूप में किसी जगह पर सही तरीके से आपने देखना है तो इस वक्त आज की डेट में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है। ये है ओरछा का राम राजा मंदिर। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन भरण भव भय। लेकिन ये कहानी तो रामायण से बिल्कुल अलग है। रामायण के मुताबिक तो श्री राम अयोध्या के राजा थे। वनवास के बाद उनका राज्याभिषेक किया गया था। फिर श्री राम ओरछा के राजा कैसे हुए? ओरछा में श्री राम को राजा राम क्यों कहते हैं? ऐसा अयोध्या में क्यों नहीं कहते? क्या वाकई ओरछा के राजा श्री राम हैं? अगर हैं तो इसका साक्ष्य क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारी टीम मध्य प्रदेश के ओरछा में थी, जहां की पूरी राम कहानी केवल 3 भवनों में सिमटी है। पहला है राम राजा मंदिर, दूसरा है चतुर्भुज मंदिर और तीसरा है रानी गणेश कुंवरी का महल। पूरी दुनिया भगवान राम को मानती है और यहाँ इस मंदिर में राजा राम की आरती होती है। लेकिन ये मंदिर कहाँ? ये तो एक राजमहल है, राजा राम का राजमहल। महल के गर्भगृह में श्री राम की एक मूर्ति है, सबसे अलग, सबसे जुदा। आपने पूरी दुनिया में राम दरबार की मूर्तियां देखी होंगी, सब मूर्तियां खड़ी हैं, राम लक्ष्मण सीता, लेकिन यहाँ बैठी मूर्ति है, राजा के रूप में जो विराजमान होते हैं वो राजा के रूप में बैठी हुई मूर्ति है। वो प्रतिमा आपको नहीं दिखा सकते, कैमरे के साथ मंदिर में जाना मना है, लेकिन श्री राम के राजा रूप से जुड़ी हर निशानी आपके सामने होगी। और सबसे पहला सबूत है यहाँ की एक परंपरा जिसमें राजा राम को बंदूकों की सलामी दी जाती है। इस दुनिया में जितने भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर किसी देश का राजा, तो उन सब को सलामी दी जाती है। कहीं बंदूक चलाई जाती है, कहीं तोप के गोले दागे जाते हैं और कहीं पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। लेकिन क्योंकि ओरछा में राजा राम हिज हाइनेस हैं, मतलब ओरछा के राजा हैं, तो यहाँ पर भी प्रॉपर पूजा तो होती है, लेकिन पूजा के साथ साथ एक सबसे शानदार चीज़ होती है और वो है पुलिस की सलामी। बाकायदा पुलिस के गार्ड, पुलिस के जवान राजा राम को उसी तरह से गार्ड ऑफ ऑनर सल्यूट पेश करते हैं जिस तरह से किसी भी हेड ऑफ स्टेट, किसी भी राज्याध्यक्ष को किया जाता है। यहाँ केवल राम राजा ही सलामी के हकदार हैं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन एक सवाल दिमाग में जरूर आता है, अयोध्या के श्री राम ओरछा के राजा कैसे बने? इसका जवाब एक कहानी है जिसके 2 किरदार हैं। 16वीं शताब्दी में ओरछा के राजा रहे मधुकर शाह और उनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी राजा श्री कृष्ण के उपासक थे और रानी श्री राम की। कुछ दिनों बाद रामनवमी पड़ती है तो रानी और राजा में यह बहस हुई कि चलो अयोध्या चलते हैं, रामनवमी है अयोध्या चलते। दोनों में बहस हो गई, जिद हो गई। तो राजा ने एक व्यंग मारा कि अगर तुम्हारे भगवान सत्य हैं तो कुछ दिखाओ चमत्कार। तो रानी को वो बात चुभ गई। तो फिर रामनी बोले कि अब मैं अयोध्या जा रही हूँ और जब भगवान लेके ही मानूंगी, तो भगवान आ जाएंगे तभी आऊँगी, अदरवाइज मैं सरयू में प्राण त्याग दूंगी। रानी ने अयोध्या में 12 साल तपस्या की, साधु संतों की सेवा करती रही, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। फिर एक दिन निराश होकर प्राण देने के लिए वो सरयू नदी में कूद गई। जब वो सरयू में धीरे धीरे जा रही थी और गले तक उनका पानी आ गया, मतलब डूबने ही वाली थी कि एक तेज आकाशवाणी हुई कि रुको, हम आ रहे हैं। भगवान की दिव्य वाणी सुन के रानी बाहर आई तो यहाँ एक 5 साल के बालक के रूप में भगवान स्वयं पधारे। उन्होंने कहा देखो हमने तुम्हें दर्शन दे दिया, हम अब राम हैं। और रानी बोले नहीं, आपने दर्शन दिए, हमारा जीवन धन्य हुआ, लेकिन आपको ओरछा चलना पड़ेगा। तो बोले नहीं अब क्या है, हमने दर्शन दे दिए और सबने आपके तो देख लिया। नहीं बोले आपको ओरछा चलना पड़ेगा। बड़ी जिद भगवान से उन्होंने, चूँकि भगवान भक्त के आगे हारते हैं। और मान्यता के मुताबिक श्री राम उसी समय रानी के साथ ओरछा पहुंच गए। अगर कहानी सच है तो श्री राम महल में क्यों हैं? उस चतुर्भुज मंदिर में क्यों नहीं जिसे ओरछा के राजा ने उनकी प्रतिमा की स्थापना के लिए बनवाया था? ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम के लिए जो चतुर्भुज मंदिर बनाया गया था उसके दरवाजे पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अब इस मंदिर में प्रतिमा क्यों नहीं स्थापित की गई, इसके पीछे राजा राम की 3 शर्तें थीं। क्या थी वो शर्तें, पहले वो सुन लीजिए। तीन शर्तों की बात तब शुरू होती है जब श्री राम प्रतिमा के एक अनंत रूप में रानी गणेश कुंवरी के साथ ओरछा जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उनकी 3 शर्तें थीं। उसमें एक शर्त थी कि हम पुष्य नक्षत्र में चलेंगे, जो 27 दिन में एक बार आता है। दूसरी शर्त उनकी ये थी कि जहां हमें बिठाल दोगे हम वहां से उठेंगे नहीं। और तीसरी शर्त ये थी कि वहां के राजा हम होंगे, आपको वहां से हटना पड़ेगा। भगवान राम की इन शर्तों ने ओरछा का इतिहास बदल कर रख दिया। ओरछा से अयोध्या का डिस्टेंस, जो फासला है, वो करीबन 450 किलोमीटर है, लेकिन रानी को अयोध्या से लेकर ओरछा तक पहुंचने में 28 महीने और 28 दिन लगे। अब आप सोचेंगे कि महज 450 किलोमीटर के लिए 28 महीने का वक्त क्यों लगा। इसके पीछे थी एक वजह, राम जी की एक शर्त, जिसकी वजह से रानी महीने में सिर्फ 1 दिन ही चल पाती थी। इन हालात में जब रानी राजा राम की प्रतिमा लेकर ओरछा पहुंची तब चतुर्भुज मंदिर पूरा तैयार नहीं था। रानी ने प्रतिमा को अपने महल में रख दिया। मंदिर तैयार होने के बाद श्री राम की मूर्ति वहां ले जानी थी, लेकिन मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिली। तो हिज हाइनेस राजा राम का जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, असल में ये मंदिर नहीं है, ये एक राजमहल था। राजमहल जहाँ पर रानी रहा करती थी। और रानी जब मूर्ति यहाँ पर ले आई तो वो अपनी शर्त भूल गई कि राजा राम ने उनसे कहा था कि जहाँ पर आप मुझको रख देंगे वहाँ से आगे फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो अल्टीमेटली रानी को अपना महल छोड़ना पड़ा और राजा और रानी इस महल में रहने लगे। ये जो सामने महल आपको दिखाई दे रहा है ये बाद में बना, और क्योंकि वहाँ पर राजा राम का राज्य बस चुका था, राजा राम हिज हाइनेस राजा राम वहाँ पर बस गए थे, इसलिए राजा रानी ने ये महल बनवाया ताकि यहाँ पर रह सके। राजा रामचंद्र इसी महल में रह गए, राजा रानी नए महल में चले गए। फिर चतुर्भुज मंदिर का क्या हुआ जो श्री राम के लिए बनाया गया था? तो उसके बाद यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति रख दी गई और आज तक, मतलब सैकड़ों साल बाद भी इस मंदिर में राधा कृष्ण की ही पूजा होती है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कहते हैं ये घटना 16वीं शताब्दी की है, जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी। एक और ऐतिहासिक तथ्य, जिस दिन रानी रामचंद्र की प्रतिमा के साथ ओरछा पहुंची थी उसी दिन रामचरितमानस का अंतिम अध्याय लिखा गया था। उसी रामचरितमानस में लिखा है जहां श्री राम होंगे उनकी रक्षा के लिए वहां चारों दिशाओं में हनुमान भी होंगे। ओम दाशरथ विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि। और ओरछा में राम राजा तो मिले लेकिन महाबली हनुमान नहीं दिखे। अगर कहानी सच्ची है तो आसपास पवन पुत्र भी होंगे। फिर पता चला कि महल से कुछ दूरी पर वाकई चारों दिशाओं में पवन पुत्र हनुमान मौजूद हैं, जो युगों से अपना एक वचन निभा रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। महल के चारों तरफ महाबली के चार धाम हैं। मान्यता के मुताबिक युगों पहले श्री राम को दिए एक वचन को ये आज भी निभा रहे हैं, जिसके मुताबिक श्री राम दिन में ओरछा में रहते हैं और रात होते ही अयोध्या चले जाते हैं। जब राम राजा और अयोध्या जी से चलने लगे तो वहाँ के अयोध्या जी वासी वालों ने रोका, महाराज जी अगर आप ओरछा चले जाएंगे तो फिर अयोध्या जी में क्या रहेगा। फिर राम राजा बोले कि मैं दिन में ओरछा में वास करूंगा लेकिन विश्राम करने अयोध्या जी आऊंगा। देखिए, राम राजा की रात की आरती के बाद और ब्यारी के बाद, जिसे आप समझ लीजिए बुंदेलखंडी में डिनर कहा जाता है, तो उसके बाद फिर वहाँ से एक जोत, राम राजा मंदिर से एक जोत लाई जाती है और वो इस मंदिर में, इस हनुमान मंदिर में यहाँ पर लाई जाती है। एक तरह से ये मान्यता है कि हनुमान जी को वो जोत सौंप दी जाती है ताकि वो उसको लेकर अयोध्या के कनक भवन चले जाए। राम 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 जय श्री राम राम राम। रात में ओरछा से अयोध्या के उस सफर को हम दिखाएंगे। फिलहाल शाम हो चुकी है। थोड़ी देर में राजा राम को बंदूकों की सलामी दी जाएगी। जय श्री राम, जय सिया राम। सूरज डूब चुका है और राजा राम का जो दरबार है उसके कपाट बंद हो चुके हैं, गेट बंद हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब मुस्तैद है। अभी भी राजा की ड्यूटी पर पुलिस मौजूद है और अब गेट खुलेंगे चंद घंटों बाद। उसके बाद आरती होगी और उसके बाद फिर से सलामी दी जाएगी राजा राम को, छठी बार आखिरी सलामी। मतलब दिन में कोई बड़े से बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, उसको शायद दिन में 6 बार गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता, लेकिन ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम को एक दिन में 6 बार सलामी दी जाती है। किस तरह से, देखिए। राम राजा को गार्ड ऑफ ऑनर मंदिर में दिया जाता है। वहां कैमरा ले जाना मना है, लेकिन इस पुरानी परंपरा को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन ने हमें ये फुटेज मुहैया कराई। ये दुनिया की इकलौती जगह है जहां श्री राम को बंदूकों की सलामी दी जाती है। रात होते ही राम राजा के अयोध्या जाने की तैयारी शुरू हो गई। ओरछा के हिज हाइनेस राजा राम के दरबार बंद होने का वक्त हो गया है, रात का डिनर हो चुका है, उसके बाद उनकी जो जोत है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है हनुमान मंदिर, क्योंकि अब ओरछा में उनका काम खत्म हो चुका है, दिन ढल गया है। अब जाना है अयोध्या, अयोध्या के कनक भवन में जहाँ पे रात्रि बीतेगी। श्री राम जय राम जय जय राम। मान्यता के मुताबिक श्री राम के इसी काज के लिए महाबली हनुमान भी सदियों से ओरछा में है। दिव्य ज्योत हनुमान मंदिर पहुंची तो पूरी तरह से फूल डालते हुए लोगों के साथ ये पूरी बारात, मतलब एक दरबार के लोग आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर सौंपने के लिए यहाँ से हनुमान मंदिर अंदर जाएंगे। चार 400 साल से ये परंपरा निभाई जा रही है। कहते हैं दिन में ओरछा में रहने के बाद ज्योत बनकर श्री राम अयोध्या चले जाते हैं अपने भवन में आराम करने के लिए। तो ज्योत को यहाँ पर रखकर, जो हनुमान जी का मंदिर है, और उसके बाद इस गेट को बंद कर दिया जाता है मंदिर का। उसके बाद ये मान लिया जाता है कि भगवान राम जो है ओरछा में अपना दरबार खत्म करके रात को सोने के लिए अयोध्या चले गए हैं कनक भवन के अंदर। तो तो अब आगे क्या होता है वो कनक भवन की कहानी अयोध्या चलते हैं। कई कहानियां हैं, कई मान्यताएं हैं, लेकिन सब एक ही मोड़ पर खत्म होती हैं। ओरछा के राजा रामचंद्र हैं, जहां इतने सालों बाद आज भी लोगों की मान्यताओं में, श्री राम से जुड़ी आस्था में उनका राम राजा रूप जिंदा है। श्री राम रूप अयोध्या में रामायण की बहुत सारी निशानियां, लेकिन आज जो साक्ष्य हम आपके सामने लाने वाले हैं, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उन साक्ष्यों को आपने पहले कभी नहीं देखा हो। अयोध्या वही है श्री राम वाली, लेकिन रामायण के सबूत ऐसे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं खोज पाया। क्या आपने अयोध्या की वो जगह देखी है जहां श्री राम का पुष्पक विमान उतरा था? उस इलाके में गए हैं जहां राजा रामचंद्र का दरबार लगता था, या उस यज्ञशाला के बारे में सुना है जहां अश्वमेध यज्ञ किया गया था? नहीं ना। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आज एक अलग ही अयोध्या आपके सामने होगी, जहां की कहानी और निशानी देखकर आप चौंक जाएंगे। जन्मभूमि, दशरथ महल, मणि पर्वत, हनुमानगढ़ी, अयोध्या की इन निशानियों को बहुत देखा। आज देखिए अयोध्या में श्री राम के राजा रूप से जुड़े साक्ष्य, उससे जुड़ी कहानियां जो आपने सुनी तो जरूर होंगी, लेकिन अभी तक देखी नहीं होंगी। वाल्मीकि रामायण में राजा रामचंद्र से जुड़ा एक लंबा अध्याय है जिसे उत्तर कांड कहा जाता है। यह कांड वनवास के बाद शुरू होता है, जिसके मुताबिक अयोध्या में ही श्री राम का पुष्पक विमान उतरा, अयोध्या में ही श्री राम का राज्याभिषेक हुआ, अयोध्या में ही राजा राम का दरबार लगता था, और अयोध्या में ही राजा रामचंद्र ने अश्वमेध यज्ञ किया। श्री राम हैं तो अयोध्या है, अयोध्या है तो वो निशानियां भी जरूर होंगी जिनकी कहानी श्री राम के राजा रूप से जुड़ती है, जहां से राम राज्य की शुरुआत हुई। हमारी खोज वहीं से शुरू होगी जहां से रामायण में श्री राम के राजा रूप का अध्याय शुरू होता है, यानी उनके वनवास वापसी से। आज ये जगह अयोध्या नगरी से बाहर दक्षिणी हिस्से में है। कहते हैं वनवास से लौटने के बाद इस जगह पर श्री राम का पुष्पक विमान उतरा था। साक्षी के तौर पर आज कुछ कुंड और मंदिर हैं। तो अभी आपको ये कुंड शहवाल की वजह से हरा दिखाई दे रहा है, लेकिन एक वक्त था जब ये बिल्कुल सफेद था, क्योंकि दूध से पूरा भर गया था जब दूध अभिषेक हुआ यहाँ पर करीब ही। और सीता कुंड है, ये जगह साउथ मोस्ट जगह है जो सबसे ज़्यादा दक्षिणी छोर है अयोध्या का, जो उस वक्त अयोध्या हुआ करती थी उसका सबसे साउथ मोस्ट कॉर्नर, दक्षिणी छोर है ये जगह। और यहीं से भगवान राम ने वापस अयोध्या में एंट्री की थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो राजा रूप है भगवान राम का, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। श्री राम जय राम जय जय राम। आज यहाँ खेत है, तालाब है, हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन रामायण काल में उस दिन यहां मेला लगा था जब श्री राम वनवास से लौटे थे। इस बात का गवाह महादेव का ये मंदिर भी है। मान्यता यह है कि भगवान राम ने यहां पर दुग्ध अभिषेक किया था शिवलिंग का, और इसी वजह से इस मंदिर को दुग्धेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। शिवलिंग जो है जमीन के नीचे दबा हुआ था, उसके बाद अंग्रेज़ों के ज़माने में ये शिवलिंग बाहर निकाला गया, पेड़ के नीचे पूरा दबा हुआ था, मतलब ये पूरा एरिया एक टीला था, उस टीले के अंदर ये शिवलिंग दबा हुआ था और तब निकाल के बहुत इसको बाहर निकाला गया। अभी भी आप देखिए कि ज़मीन के अंदर नीचे काफ़ी हिस्सा है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो आपको ऊपर दिखाई देता है। तो दुग्धेश्वर महादेव के बारे में मान्यता यह है कि भगवान राम जब अयोध्या में वापस आए थे तो यहाँ लौटने के बाद उन्होंने दुग्ध अभिषेक किया था शिवलिंग का। श्री राम ने 14 साल जंगल में गुजारे थे। इस दौरान उनकी काया एक वनवासी की तरह हो गई थी। जब श्री राम अयोध्या लौटे तब सबसे पहले उनका हुलिया सही किया गया था। जंगल से ये लोग जब आए थे तो निश्चित रूप से उनके केस और दाढ़ी ये सब बहुत बड़े बड़े थे। तो जटा कुंड वो स्थान है जहाँ चारों मतलब सभी भाई मिलकर के इनकी जटाएं साफ की गई, इनकी दाढ़ी वनवासी स्वरूप समाप्त करके इनको जो है मतलब राजा के स्वरूप में प्रतिष्ठित किया, इनका स्वरूप बदला। तो जहाँ ये मतलब बाल का विसर्जन किया गया वो कुंड जटा कुंड के नाम से आज भी जाना जाता है। मान्यता के मुताबिक यही वो जगह है जहां श्री राम ने वनवासी रूप त्याग कर राजा रूप धारण किया था। आज यहां अयोध्या जैसी चहल पहल नहीं है, लेकिन इस जगह से जुड़ा एक चमत्कार सबकी जुबान पर रहता है। लोगों का दावा है, जो पुराने लोग यहां पर रहते हैं, कि इस कुंड के अंदर इस तरह की लताएं पानी के अंदर थी जो बिल्कुल ऐसा महसूस होता था जैसे किसी के बाल हैं। अब तो फर्टिलाइजेशन की वजह से और बहुत ज़्यादा खेतों में आसपास उर्वरक डालने की वजह से वो सब ख़त्म हो गया है, लेकिन लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने खुद देखा है कि इस तरह की जड़ें थीं पौधों की पानी के अंदर, जो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता था जैसे किसी इंसान के बाल हैं। अब क्या कनेक्शन है इसका भगवान राम से मुझे नहीं पता, लेकिन जटा कुंड नाम है इस जगह का और सीधी सीधी बात यही है कि यहीं पर बाल काटे गए थे। त्रेता युग की अयोध्या और आज की अयोध्या में आज भी एक बात समान है। उस समय भी ये इलाका नगर से बाहर था और आज भी ये सारी निशानियां अयोध्या शहर से बाहर हैं। रामायण में लिखा है, श्री राम के साथ वानर सेना के कई योद्धा भी अयोध्या आए थे, जिनमें पवन पुत्र हनुमान के अलावा वानर राज सुग्रीव, नल नील, अंगद और जामवंत शामिल थे। महाबली हनुमान तो अयोध्या में हमेशा के लिए रह गए थे। बाकी वानर सेना को अयोध्या के एक महल में रखा गया था। उस महल को आज सुग्रीव किला कहते हैं। ये किला राजा रामचंद्र की एक अद्भुत रणनीति का भी सबूत है, जिसका कई दस्तावेजों में जिक्र मिलता है। आप ये किताब देखिए, बहुत पुरानी किताब है। फ्रांस बेकर नाम के एक ऑथर हैं, हैंस बेकर, जिन्होंने अयोध्या पे पूरी किताब लिखी थी और ये पूरा नक्शा उन्होंने दिखाया था राम दुर्ग का। और ये सुग्रीव किला है जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। सामने हनुमत किला है, हनुमत दुर्ग जिसको कहते हैं, आज जिसको आप हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। वो लाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो हनुमंत किला था उस समय का, जिसको अब आप लोग हनुमान गढ़ी के नाम से जानते हैं। इसी तरह से जामवंत का किला भी था, विभीषण का किला भी था, यहाँ गंधमादन किला भी था, गावस का किला भी था, नवरत्न किला भी था, नील नल द्वार भी था, अंगद का किला भी था। तो ये सारे किले चारों तरफ मौजूद थे उस समय में जब राम दुर्ग यहाँ पर मौजूद था। तो राम दुर्ग के चारों तरफ ये सारे, आप इस तरह से समझ लीजिए कि भगवान राम के जनरल्स थे, तो उनके किले के आसपास ही इन सब के किले भी बने हुए थे, इन सब के दुर्ग भी बने हुए थे। रामायण के समय के राम दुर्ग की कुछ ही निशानियां शेष हैं, जिनमें हनुमान गढ़ी के साथ ये सुग्रीव किला भी शामिल है। उस भवन की चर्चा वाल्मीकि रामायण में की गई है। तच्च में भवनम श्रेष्ठम शाशोक बनिकम महत मुक्ता वैदुर्य संकीर्णम सुग्रीवाय निवेदये। भगवान श्री राम ने कहा कि भरत, ये जो मुक्ता वैदुर्य मणियों से सुसज्जित महल बनवाया है, जिसके चारों तरफ सुंदर वाटिका वगैरह सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, बहुत ही ये सुरम्य स्थान है, रमणीक स्थान है। तो ये महल तूने मुझे तो सौंप दिया, लेकिन अब मेरी आज्ञा है कि सुग्रीवाय निवेदये, ये मेरे मित्र हैं, मेरे दैत्य सखा हैं, मेरे साथ आए हैं और राजा हैं, तो ये महल इनको निवेदन कर दो। श्री राम सूर्यवंशी राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे। अश्वमेध यज्ञ करके श्री राम ने अपने राज्य का विस्तार किया था। कोई भी राजा राजा रामचंद्र को चुनौती देने की हालत में नहीं था। आज हम आपको अश्वमेध यज्ञ वाली जगह भी ले चलेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं राजा रामचंद्र के दरबार में, जहां राज सिंहासन पर बैठकर राम राज्य का सपना साकार किया गया। रामाय रामभद्राय रामचंद्र। आज यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके दम पर साबित हो सके कि राजा राम का दरबार यहीं लगता था। बस एक मान्यता है और लोगों की आस्था, जिसकी वजह से इसे राम सभा मंदिर कहा जाता है। राम सभा के नाम पर अगर कुछ मौजूद है तो वो ये छोटा सा मंदिर है। ये पुरानी मूर्तियां हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सदियों पुरानी है, कोई तरीका नहीं है इसको स्थापित करने का, इसको स्टैब्लिश करने का। और कई सारी मूर्तियां हैं यहाँ पर जो आसपास से निकली होंगी, लेकिन जो एक्चुअल राम सभा रही होगी, जो पूरा वो उस वक्त का जो पूरा नज़ारा रहा होगा, वो अपने आप में देखने सोचने लायक रहा होगा। अब आज हम कितना भी इमेजिन करवा दें आपको, कितना भी हम आपके सामने GFX ग्राफिक्स ला के हम आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि कितनी बड़ी रामसभा होगी, कितनी आलिशान रही होगी, कितनी ज़्यादा सजी रही होगी, लेकिन अब बहुत मुश्किल है उस चीज़ को इमेजिन करना या उसके बारे में सोचना भी। अभी रामसभा के नाम पर कुछ है तो सिर्फ ये छोटा सा मंदिर जो ये याद दिलाता है कि एक वक्त में राजा राम जब यहाँ पर बैठते होंगे अपने सिंहासन पर और उनके साथ उनकी पूरा दरबार बैठता होगा, तो वो किस तरह का मंजर रहता होगा। फिल्मों और टीवी सीरियलों में राजा राम का दरबार कुछ ऐसा दिखता है। इसी तस्वीर का जिक्र तुलसीदास की रामचरितमानस में भी है। तर्क करने वाले सबूत मांग सकते हैं, लेकिन आस्था को किसी गवाही की जरूरत नहीं। लोगों को आज भी इस जगह से जुड़े दावे पर पूरा यकीन है। ये स्थान रत्न सिंहासन राम की राजगद्दी है। अच्छा, राजगद्दी तो वो होती है जहाँ पे राजा बैठते, जहाँ पे राम जी राजा हुए थे, तो उनका जो सिंहासन था वो यहीं पर था। इसी दरबार से राजा राम ने 1-2 वर्ष नहीं 11,000 वर्ष पूरी अयोध्या नगरी के अपने जितने प्रजा थे सबका प्रजा पालन उन्होंने किया। मतलब 11,000 साल तक इस जगह से राजपाट चलाया। हाँ, उन्होंने अपने भक्तों का मतलब जो भी था सुख दुख सब में वो मतलब राजा का जो एक कर्तव्य होता है पालन किया। श्री राम जन्मभूमि, कनक महल और दशरथ महल समेत अयोध्या में ऐसी सैकड़ों निशानियां हैं जो श्री राम के कई रूप से जुड़ी हैं, लेकिन इनमें सबसे अहम है सरयू नदी का वो किनारा जहां रामायण के समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ था। श्री राम 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 जय श्री राम जय सिया राम। तो अयोध्या का जो सबसे खूबसूरत नज़ारा है वो इस वक्त मेरे पीछे है। स्वर्ग द्वार कहा जाता है इसको, और पूरा आप देखिए अब तो काफ़ी बना दिया गया है, बदल दिया गया है, लेकिन मंदिरों की पूरी लाइन है। और मान्यता ये है कि यही वो जगह थी जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ किया गया था। अश्वमेध यज्ञ के लिए जो मंदिर है वो काफ़ी अंदर है, लेकिन यह आप पूरा देख लीजिए कि ये स्वर्ग द्वार है, यानी कि वो जगह जहाँ से स्वर्ग का रास्ता निकलता है अयोध्या में। अयोध्या में जिस जगह से अश्वमेध यज्ञ की मान्यता जुड़ती है वो काफी पुरानी है। यहाँ मुगल काल की छाप साफ देखी जा सकती है और इसकी वजह मुगलों का आक्रमण। जब 1516-17 में कहा जाता है बाबर ने राम जन्मभूमि को तोड़ा, तो उनके मतलब औरंगजेब ने यहाँ स्वर्गद्वार घाट पर अहिल्या घाई घाट पर त्रेता ठाकुर के नाम से मंदिर था 9वीं 10वीं शताब्दी में, तो उसको तोड़ दिया उन्होंने। और उसको तोड़ने के बाद तब यह मंदिर वो मूर्तियाँ यहाँ चली आईं। ऐसा कहा जाता है कि सीता की प्रतिमा स्वर्ण की जो थी वही यहाँ पे है। इन छोटी छोटी मूर्तियों को श्री राम की निशानी के तौर पर बचा कर रखा गया है, जो ये बताती हैं कि इस जगह का नाता कभी न कभी रामायण के समय से जरूर रहा है। मौजूदा अयोध्या 400 साल पुरानी है, लेकिन पौराणिक साक्ष्य बताते हैं कि अयोध्या नगरी शुरू से ही श्री राम की रही है। कई सबूत हैं और हर सबूत में श्री राम के किसी न किसी रूप की झलक मिल ही जाती है। तो बिठूर में हम उस जगह पहुंच चुके हैं जिसको वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है। हजारों लाखों साल पहले की कोई चीज़ आज मौजूद हो सकती है, आप कहेंगे नहीं इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है। आपके सामने ये जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये त्रेता युग से यहाँ पर मौजूद है। लवकुश जन्मभूमि है, मतलब वो स्पॉट जहाँ पर लवकुश पैदा हुए थे और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था। कारगिल में पीएम मोदी अनोखे अंदाज में नजर। राजा रामचंद्र से जुड़े कुछ और साक्ष्य हैं जिनका वाल्मीकि रामायण के साथ साथ रामचरितमानस में भी जिक्र मिलता है, लेकिन वो निशानियां किसी नगर में या किसी महल में नहीं है। श्री राम के राजा रूप से जुड़े उन साक्ष्यों की खोज में हमारी टीम को जंगलों में भटकना पड़ा, कई पहाड़ों को पार करना पड़ा, तब जाकर वो स्थान मिला जहां लवकुश का जन्म होने का दावा किया जाता है। वो आश्रम भी मिला जहां अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था। हम उस रणभूमि में भी गए जहां श्री राम में और लवकुश में भयंकर युद्ध हुआ था। राजा राम से जुड़े युगों पुराने इन सबूतों को इतना सुरक्षित रखा गया था कि ये सब देखकर भी यकीन नहीं हुआ। इतना तो तय था कि श्री राम के राजा रूप की जिन निशानियों की हमें तलाश थी वो वाल्मीकि आश्रम में ही मिलेंगी, लेकिन असली वाल्मीकि आश्रम को खोजना ही मुश्किल काम था। देश के कई हिस्सों में इसके होने का दावा किया जाता है। कुछ लोगों के मुताबिक जिस आश्रम में सीता जी रहती थीं, वो पंजाब में है। कुछ लोगों ने इसे नेपाल के चितवन में बताया, लेकिन सबसे सटीक माना जाता है उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास बिठूर वाले वाल्मीकि आश्रम को। वजह है इसकी भौगोलिक स्थिति, जो आज भी अयोध्या के करीब है और पूरा इलाका रामायण की घटनाओं से बिल्कुल मेल खाता है। बिठूर गंगा किनारे बसा एक बेहद छोटा शहर है, लेकिन इस छोटे शहर से एक बहुत बड़ी राम कथा जुड़ती है और वो कहानी है वाल्मीकि आश्रम में लवकुश के जन्म की। तो बिठूर में हम उस जगह पहुंच चुके हैं जिसको वाल्मीकि आश्रम के नाम से जाना जाता है और ऐसा हम नहीं कह रहे, ये यूपी राज्य पुरातत्व विभाग यानी कि यूपीएसआई का बोर्ड यहाँ पर लगा हुआ है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि ये वाल्मीकि आश्रम बिठूर है, यानी कि वो जगह जहाँ पर लवकुश का जन्म हुआ था, वो जगह जहाँ पर सीता जी रही थी परित्याग होने के बाद, राम जी से अलग होने के बाद, वो जगह जहाँ पर अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया गया था। तो ये सारी जगह यहीं पर है, इसी वाल्मीकि आश्रम में। कहाँ कहाँ क्या क्या आइडेंटिफिकेशन है, आइए देखते हैं। दावे के मुताबिक ये जगह पौराणिक है, लेकिन इसका मौजूदा ढांचा मराठों के समय का है, जिसे दूसरे पेशवा बाजीराव ने बनवाया था। रामायण में लिखा है, राज धर्म का पालन करने के लिए राजा रामचंद्र के कहने पर लक्ष्मण ने सीता जी को एक जंगल में छोड़ा था, जहां महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें अपने आश्रम में आसरा दिया था। किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं। दावे के मुताबिक युगों पहले वाल्मीकि का वो आश्रम यही था और यहीं श्री राम के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म भी हुआ था। लवकुश का जन्म स्थान यही, मतलब अब हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर हम लोग जहाँ बैठे हैं यहाँ, ऐसा नहीं है। मगर है इसी बिठूर एरिया में ही है। हाँ, हमारे गुरुजी का ये कहना था कि उनको सपने में ये दिखाई दिया दो बालक यहाँ पर इस तरह ये होते हुए, तो उन्होंने फिर इस जगह को लवकुश आश्रम के नाम से ये कर दिया। बस ये है। आज बिठूर के इस आश्रम में मंदिर हैं, प्रतिमाएं हैं, जिन्हें रामायण के साक्ष्य के तौर पर पेश किया जाता है, और सारी जगहों का नाता लवकुश से है। बिठूर का जो पूरा इलाका है ये असल में एक टीले पर बना हुआ है, और मान्यता ये कि पूरा का पूरा जो था ये वाल्मीकि आश्रम था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें बनी हुई हैं। अब ये लवकुश जन्मभूमि है, मतलब वो स्पॉट जहाँ पर लवकुश पैदा हुए थे। कहते हैं उस समय यहाँ पीलू यानी मिसवाक के पेड़ों का जंगल था, जिसकी छांव में सीता जी रहा करती थी। जंगल कट गए, आबादी बस गई, लेकिन आज भी एक बड़ा वृक्ष बचा हुआ है। देखिए, पिछले लाखों सालों में वाल्मीकि आश्रम में सब कुछ बदल चुका है। इमारतें बदल चुकी हैं, लोग बदल चुके हैं, बिल्डिंग्स बदल गई हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली। और क्या है वो? ये पेड़। त्रेता युग से ये पेड़ यहीं पर मौजूद है, और मान्यता है कि पहले यहाँ पर पीलू पेड़ का जंगल हुआ करता था। जिस प्रजाति का ये पेड़ है, पीलू पेड़ है, उसी का जंगल हुआ करता था, और इसी के नीचे सीता जी रहा करती थी। अब आप देखिए कि पूरा जंगल था इस पेड़ का। ये पेड़ हमेशा हरा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा ये पत्तियां इसी तरह से हरी रहती हैं। लेकिन अब पूरा जंगल ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक पेड़ बचा हुआ है, और लोग, यहाँ के लोग बताते हैं कि इस पेड़ की सारी तने मर जाता है, ये पूरा तना ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद फिर ये पेड़ जिंदा हो जाता है और इसी तरह से हरा भरा रहता है। तो त्रेता युग से ये पेड़ इसी जगह पर मौजूद है। पेड़ की तरह इस आश्रम से जुड़ी हर जगह में लोगों की गहरी आस्था है। यहाँ की असल कहानी तब शुरू होती है जब अयोध्या में राजा राम का अश्वमेध यज्ञ शुरू होता है। कहते हैं अयोध्या से चला अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा इस वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा। तो यहाँ घोड़ा आया तो लवकुश टहल रहे थे जंगल में, तो उन्होंने देखा, घोड़े पर लिखा है, बड़ा राजा अभिमानी है ये, अपने आगे किसी को समझता नहीं, क्यों आधीनता इसकी स्वीकार की जाए, तो घोड़े को पकड़ लिया। घोड़े को छुड़ाने के लिए राजा रामचंद्र की सेना लवकुश से भिड़ गई, जिसमें भरत लक्ष्मण के साथ महाबली हनुमान भी शामिल थे। दावे के मुताबिक जिस वट वृक्ष से लवकुश ने पवन पुत्र को बांधा था, वो इसी जगह पर है। हनुमान जी के बांधने का मतलब देखिए, यहाँ एक ठीक ऊपर आप जाएंगे सामने, वहाँ एक उस वृक्ष का नाम तो हमको भी नहीं मालूम कौन सा वृक्ष है, लेकिन वो अलौकिक वृक्ष है। आप जब देखेंगे स्वयं आपको समझ में आएगा कि वो मतलब वो सड़ जाता है और सड़ने के बाद जहाँ से छिलके चालू होते हैं वहाँ से वो फिर यथोवत स्थिति में आ जाता है, फिर जस का तस बन जाता है। फिर मतलब बताते हैं कि कई बार सड़ा है, ये प्रमाण इसमें अभी दिखता है सामने जाएंगे तो उसी स्थान में हनुमान जी को लवकुश ने बांधा था। दावे के मुताबिक इसी जगह पर लव और कुश ने महाबली हनुमान को पेड़ से बांधा था। ये वटवृक्ष कई बार सूखा लेकिन हर बार इसे नया जीवन मिलता गया। हजारों लाखों साल पहले की कोई चीज आज मौजूद हो सकती है, आप कहेंगे नहीं इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है। आपके सामने ये जो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये त्रेता युग से यहाँ पर मौजूद है। ये अपने आप में एक इतनी शॉकिंग चीज़ है जिसको देखकर भी आप यकीन नहीं कर सकते, लेकिन यकीन करिए क्योंकि इस पेड़ के बारे में साफ साफ लिखा है कि इसी बरगद के पेड़ से लवकुश ने हनुमान जी को बांधा था और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बांधा गया था। मतलब त्रेता युग से ये पेड़, इस पेड़ का साइज देखिए, चौड़ाई देखिए, मतलब बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। काट दिया गया है, छोटा कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा पेड़ रहा होगा। बहुत सिमट गया है, बहुत थोड़ा हो गया है, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ था। लवकुश ने हनुमान जी को जिस पेड़ से बांधा था, उस पेड़ को लेकर, उस जगह को लेकर रामायण में जैसा बताया गया है, ये इलाका उससे बिल्कुल मेल खाता है कि ब्रह्मावर्त सघन बन भारी, आयो त्याग विदेह कुमारी। तो ब्रह्मावर्त बिठूर है और उसके से लगा हुआ ये स्थान वाल्मीकि आश्रम है, जो कभी बियाबान सघन बन था और उसी बन में लक्ष्मण ने जानकी जी का परित्याग किया। तो अब तो जंगल कट करके सब खेत खलिहान बन गए और उस समय का वटवृक्ष आज भी इस मंदिर में उपस्थित है। जब लवकुश ने सेना को परास्त कर दिया तो युद्ध में राजा रामचंद्र को उतरना पड़ा था। कहते हैं बिठूर का ये वही रमेल गांव है जहां वो युद्ध हुआ था। आज उससे जुड़ी कोई निशानी नहीं मिलती, लेकिन दावे पर लोगों को पूरा विश्वास है। वो जगह रणमेल है, लेकिन वो अभ्रंश होके वो रमेल हो गया। रमेल गांव यहाँ से पीछे से दिखाई देता है ये। और रानी लक्ष्मीबाई, गांव में क्या था, वहाँ पे लड़ाई भी थी लवकुश की और रामचंद्र जी की। अच्छा। जो वो अश्वमेध यज्ञ हुआ है तो उसमें युद्ध हुआ है, तो वो जगह। ये सारी राम कथा रामायण के उत्तर कांड से, जो वाल्मीकि रामायण का मूल हिस्सा नहीं था, इसे बाद में जोड़ा गया। लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों में पूरी कथा बताई गई और इस जगह का नाता उसी राम कहानी से। श्री राम के किसी रूप को किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं, लेकिन उनके राजा रूप के बारे में बहुत ही कम कहा और सुना गया। आमतौर पर लोगों की राम कथा वनवास से शुरू होकर रावण वध पर खत्म हो जाती है। ऐसे में श्री राम के राजा रामचंद्र रूप से जुड़ी निशानियों की खोज हमारी टीम के लिए भी एक अद्भुत अनुभव रहा। श्री रामचरितमानस के बाल कांड की चौपाई है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी हरि और उनकी कथाएं अनंत हैं। बालकांड में लिखा है कि श्री राम के सुंदर चरित्र का करोड़ों युगों में भी बखान नहीं किया जा सकता। जो कोई नहीं कर सकता वो हम भी कैसे करेंगे। श्री राम रूप से जुड़ी जितनी कहानियों को हम आप तक पहुंचा सके पहुंचाया। ये सफर, ये खोज जारी रहेगी। हम ऐसी न जाने कितनी कहानियां तलाशते रहेंगे और आप तक लाते रहेंगे।